सर देखिए ना, पूरा शीशा चारों 8-10 गो तो मेरा शीशा तोड़ दिया पूरे, और 30,000 रुपये लेके था सीमेंट खाली करके आए थे, तो वो पैसा लेके चले गए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार यादव। कहाँ घर? घर हुआ भड़ारी स्थान। क्या मामला है, किस लेवल यहाँ धरना पे? गोल लगाता नहीं समाचार बटुए, गया से रिपोर्टर बानी रमेश कुमार जी। बड़ा खबर आ रहा बटुए, इमामगंज थाना क्षेत्र में बालू खनन घाट पे गांव के लोग कोई हंगामा, कोई गाड़ी सहित बैरक के आग के हवाले कर गई। गया के इमामगंज में बालू घाट पे हंगामा भइल बा, पथराव करके वाहन के क्षतिग्रस्त कर दिहल गइल बा, बैरक में आग लगा दिहल गइल बा। बड़ा खबर आ रहल बा, खबर का बा विस्तार से बताई भोजपुरिया समाचार, कुछ लोग के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। खबर का बा विस्तार से जानी। गया जिला के अति नक्सल प्रभावित इलाका इमामगंज थाना क्षेत्र के बिसुम बीघा बालू घाट पे गांव के लोग के खिसिया गए। गांव के लोग उग्र होके बालू घाट पहुँचले, जम के हंगामा कैलन। वही हंगामा के दौरान ग्रामीण आधा दर्जन वाहन में तोड़ फोड़ आ कई गो वाहन के पथराव करके क्षतिग्रस्त कर दिहल। वही जे बालू घाट के भीड़ी बनल बैरक के माचिस मार के आग के हवाले कर दिहल गई। वही जे बालू घाट पे स्थित वाहन चालक आ बालू घाट के संचालक के साथ भी मारपीट भइल बटुए। एक तरफ बालू घाट के लेके विरोध कर रहल ग्रामीण के कहना रहे कि आज हमनी के बालू घाट के विरोध में आमरण अनशन पर बैठब जा, सरकार से मांग करतन या कि यहाँ जवन बालू घाट बनावल गई बा ये अनुचित बा, कहे से कि यह बालू घाट के रहे से नदी में जगह जगह बड़ बड़ गढ़ा के कारण एहमे हमनी के लैका के डूबे के संभावना बनल रहता। एकरा साथे नदी से बालू उठाव के कारण वाटर लेवल नीचे चल गई बटुए, पर्यावरण में दिक्कत हुई, कहे से कि यह नदी से हमनी के सिंचाई के साधन बा। अगर बालू नदी से ही तरह उठत रही तो नदी में पानी के ठहराव ना हो पाई, नदी में पानी के ठहराव ना हुई या वाटर लेवल नीचे चल जाई तो हमनी के सिंचाई ना हो पाई, अगर सिंचाई ना हुई तो हमनी के जमीन बंजर रह जाई। लोग सरकार से मांग कैले कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में तमाम बालू घाट के टेंडर करके बालू के खनन कैल जाता, ये अनुचित बटुए। एने बालू घाट पे वाहन में ग्रामीण के द्वारा कैल गए तोड़ के फोड़ के बाद लोग में आक्रोश के माहौल बा। बालू घाट पे काम कर रहल मजदूर आ संचालक में डर व्याप्त बटुए। ओ जी स्थानीय पुलिस घटना के बाद बालू घाट पहुँच के कैंप कर रहल बिया आ मामला के छानबीन में जुट गए बिया। बड़ा सवाल ये बटुए कि आखिरकार के आदेश दे देते बड़ुए, कितना बढ़िया सोच है ग्रामीण लोग के बड़ुए कि वाटर लेवल नीचे चल जाए, खेती में हमनी के दिक्कत हुई, गढ़ा बना देता लोग, हमनी के लैका डूब जाए। सरकार के पुनः विचार करे के चाही। लाइव देखी
चल चल क्या है, किस लिए यहाँ पर उपस्थित आप लोग हैं? हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो यहाँ से बालू का टेंडर जो हुआ है, बालू बंदोबस्ती हुआ है, तो इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सरकार ये जांच नहीं कर पाई कि यहाँ बालू की मात्रा है कितना, क्वांटिटी नहीं देखा। बालू है कम, अगर बालू उठा लिया जाएगा तो भविष्य में हम लोग के पानी के लिए, पानी का संकट हो जाएगा, हम लोग पानी पीने के लिए तरसेंगे। कृषि तो दूर की बात है, और ये सब कोई जानता है, सरकार भी इस बात को जानता है कि हम लोग का बिहार जो है सो प्योर कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे हम लोग कृषि से ही हम लोग का जीविकोपार्जन चल रहा है, और अगर जो हम लोग का पानी नहीं मिलेगा तो कृषि होगी नहीं, तो हम लोग तो भूखा ना मरेंगे जी। एक तो कोई कल कारखाना है नहीं बिहार में, स्थिति तो ये है। हम लोग तो इसके लिए जो है से कितना दिन से प्रयत्न कर रहे हैं कि ना भाई बिहार में कुछ लगे, युवा लोग बाहर ना जाए, लेकिन युवा लोग को तो बाहर भेजने का काम हो ही रहा है, साथ में जो जरा मरा जी खा रहा है उकरो मारने के लिए तैयार है लोग। ये बालू उठ रहा है तो बालू तो ये कुछ लोगों का, चंद लोगों का फायदा है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि इतना जो गरीब लोग है वो कहाँ जाएगा, कितनी बुरी गति होने वाली है। अब क्या तो चाहते हैं? सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि कृपया करके ये जो इमामगंज विधानसभा में बालू उठाने का कार्य जो हो रहा है उसको रोक दिया जाए, अविलंब इसको रोकने का काम। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम पिंटू कुमार दांगी हुआ, मैं युवा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या है, किस लिए यहाँ पर आज उपस्थित है आप लोग? आज यहाँ पर हम लोग इसलिए उपस्थित हैं कि लवजी मोरहर सोरहर ये संगम पे सरकार के द्वारा गलत ढंग से यहाँ बालू खनन किया जा रहा है। अब सरकार का रूल रेगुलेशन में है कि 20 फीट से ज़्यादा बालू जहाँ हो वहीं से बालू उठाना सुनिश्चित करें, लेकिन अब अवैध तरीके से अफसरशाही व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ जो है से गलत किया जा रहा है। मात्र 5 या 6 फीट बालू है और यहाँ उठाया जा रहा है, और ताकि इतना परेशानी होगा लोगों को, इतना परेशानी होगा कि भूखमरी के शिकार होना पड़ेगा। जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम सरकार चला रही है, इधर जो है जल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या बालू उठाया जा रहा है, बाले यहाँ उठा लिया जाएगा। चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस पर रोक लगे, और इस क्षेत्र में बालू की संख्या कम है, रोक लगाए ताकि यहाँ का आदमी का जीवन सही ढंग से गुजरे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देव कुमार प्रसाद। जिंदाबाद। गाड़ी का पूरा शीशा तोड़ दिया गया है। कितना संख्या में लोग थे, क्या कह रहे थे? 300-400 संख्या में थे हम लोग। ढेला पत्थर मारने लगा, सूर्य पूरा तोड़ दिया, शीशा फूसा पूरा मारपीट करने दिया। क्या बोल रहे थे, क्या कहते हुए आए लोग? क्या कहते हैं, वो सब चिल्लाते हुए आया, हम लोग बाय में भागने लगे, भागते भागते घर में मारने लगा, सब पूरा बालू घाट बंद करो कुछ बोल रहे थे। हाँ, पूरा बालू घाट बंद करो नारा लगाते आए, मारे लगे, सूर्य कुछ सुनवे नहीं किए, हम लोग की बातें नहीं। सर जो मांग रखे, कितना संख्या में लोग थे? 300-400 संख्या में थे। क्या क्या नुकसान हुआ सर? देखिए ना, पूरा शीशा चारों 8-10 गो तो मेरा शीशा तोड़ दिया पूरे, और 30,000 रुपये लेके था, सीमेंट खाली करके आए थे, वो पैसा लेके चले गए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार यादव। कहाँ घर? घर हुआ भड़ारी स्थान। क्या मामला है, किस लेवल यहाँ धरना बैठे हुए हैं? मामला इस प्रकार का है कि हमारे यहाँ इमामगंज मोहर नदी का जो है बालू, यहाँ का भू माफिया बाहर के जो उधर राजस्थान के तरफ के हैं वो टेंडर लिए हैं, और लोकल को यहाँ पर दे दिए हैं, हमारे यहाँ बालू उठाव कर रहे हैं, जिससे हम लोग के आने वाला दिन में काफ़ी जो है से दिक्कत बढ़ सकती है, जिसके कारण हम लोग ग्रामीण जनता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी जो है से धरती को और बालू को इस सब जो है बचाव के लिए हम लोग एक धरना पर जो है से बैठे हुए हैं। आगे हम लोगों के जो है से इस तरह का कार्य रहेगा तो हम लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि यहाँ जो है से टेंडर रद्द किया जाए और हम लोग का जो है से नदी से बालू ना उठे। कब तक रहेगा धरना बैठे हुए आप लोग? जब तक हम लोगों का सरकार ये मांग पूरी नहीं करते हैं तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक राम रावत, राष्ट्रीय जनता दल उपप्रखंड अध्यक्ष। क्या हुआ बालू घाट पर, किस लोग यहाँ पर आए? यहाँ हम लोग लाद रहे थे,
और लाते लाते अचानक देखें तो पूरे झुंड आ रहे थे, 300-400 के लपेट में आदमी आ रहे थे। और आने के बाद अचानक पोकलैंड पर हमला बोले, उसके बाद गाड़ी वाले हमला बोले, हम लोग को दो चार हाथ मारे, हम लोग तुरंत हाथ छुड़ा कर यहाँ से भागे। हम लोग क्या क्या नुकसान यहाँ पर हुआ? नुकसान में गाड़ी का शीशा फीसा फोड़ दिए हैं सब, बहुत नुकसान कर दिया। और पैसा गाड़ी में था, गिट्टी खाली करके आए थे, जो रोकड़ था वो हमारा पैसा लेकर चले गए, 55,000 के लपेट में पैसा हमारा था। और क्या कुछ है ग्रामीण लोग का क्या कुछ किए हैं उग्र में? मारपीट भी किए हैं, पथराव भी किए हैं। हाँ, पथराव किए थे, डंडाबाजी किए थे, और यहाँ पर एक झोपड़ी थी, झोपड़ी को आग लगा के जला दिया गया है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार पाल है, मैं यूपी से हूँ, सोनभद्र जिला से।